हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता डेली ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, मतलब सवेरे नहीं जाना है, जाना है थोड़ा लेट ही जाना है, 12 बजे के करीब जाना है। तो मैं यहाँ पटल या परवल जो भी बोलिए उसका भरवा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले पटल के ऊपरी छिलके को पूरी तरह से छील देना है और छील दी हूँ मैं। उसके बाद बीज से कट करके और उसका जितना भी बीज अंदर का है उसका सब बाहर निकाल लूँगी, सावधानी के साथ कि मतलब परवल ज़्यादा फटे ना। और उसके बाद सारे को निकाल के मैं इसमें टमाटर प्याज और थोड़ा सा अचार ले ली हूँ, सबको मैं मिक्सर में पीस के और पेस्ट बना लूँगी इसका। तो ये देखिए मैं सबको एक साथ में ही पीस लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करूँगी, उसमें जीरा डालूँगी, जीरा डालने के बाद प्याज डालूँगी और उसके बाद उसमें जो पेस्ट मैंने किया है वो पेस्ट डालूँगी और उसके साथ साथ सारा मसाला जो रेगुलर यूज होता है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और ये सब डाल के मैं, और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी मैं डाल दी हूँ, सबको एक साथ में डाल के और मैं भूनूँगी। और यहाँ मैंने छोटा छोटा काट के टमाटर डाल दिया है, अच्छा लगता है टमाटर के बिना, अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं ये सारे पेस्ट मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट सब एक साथ डाल दी हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी डाल के और इसे फ्राई करेंगे, भूनते रहेंगे जब तक कि मतलब ड्राई ड्राई जैसा ना हो जाए मसाला। आप यहाँ नमक डाल दी हूँ मैं, अगर आपको फील हो कि मसाला भून चुका है फिर भी थोड़ा सा और भूनिए तभी इसका सोना सोना जैसा अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए मेरे मसाले यहाँ पर भून गए हैं पूरी तरह से, कलर आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद मसालों को ठंडा थोड़ा सा होने देंगे और एक चम्मच की सहायता से उसके अंदर फिल कर देंगे सारे मसालों को एक एक करके। देखिए मैं यहाँ कितनी सावधानी के साथ फिल कर रही हूँ क्योंकि फिर फट जाता है, तो फ्राई करने टाइम मसाले ज़्यादा निकल आते हैं। वैसे तो फ्राई करने टाइम थोड़ा बहुत निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा निकलता ही है। तो देखिए कढ़ाई में तेल गर्म करके मैं यहाँ सारे पटल को भर के और कढ़ाई में डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी और एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे मैं इसे फ्राई करूंगी, तो अच्छी तरह से पक भी जाएगा और अच्छा बनता है, ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैं सारे को पलट दी हूँ और पलटने के बाद फिर से ढक दूंगी थोड़ी देर बाद। देखिए ये मेरा पटल पूरी तरह से तैयार है, भरवा पटल, आप बना कर देखिए कभी, बहुत ही टेस्टी बनेगा, अमेजिंग डिश है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता डेली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो अच्छे हैं, ठीक है। और अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं, आज लेट हो गया है, मैं अभी नहाई हूँ, पूजा पाठ की हूँ और अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ। हस्बैंड भी चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे इतना देर तक नाश्ता नहीं की हो तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा देर मैं ऐसे भी भूखे नहीं रहती हूँ, लेकिन अभी पूजा नवरात्रि के टाइम चल रहा है तो सुबह सुबह नहा कर पूजा कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो 11:30 होने को है, तो अभी मैं जा कर नाश्ता करूँगी। और खाना में मेरा चावल बन गया है, सहजन आलू का सब्जी बनाऊंगी मैं। तो सब्जी बनाने पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो हस्बैंड चिल्लाने लगेंगे। वैसे भी बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा ये गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, खाली पेट रहने की वजह से ही सब स्टोन फेस्टोन होता है और फिर तुम भूखे पेट रह रही हो, तो वो हो जाता है कोई फेस्टिवल में। सानवी तो पढ़ने चली गई है और उसके लाने का भी टाइम होने वाला है, हस्बैंड अभी नहीं है, वो बाहर गए हैं, थोड़ा सा कुछ काम था उनको। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाने जाती हूँ। अगर टाइम हो जाएगा तो मैं सानवी को ले आऊँगी, या नहीं तो फिर सब्जी बना के देखती हूँ, उसके जैसा होगा वैसा करूँगी। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हे गाइस, जब भी मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो इसमें चावल है, हस्बैंड खा लिए हैं, तो चावल है और ग्रेवी वाली सहजन आलू का सब्जी बनाई थी और ये भरवा पटल है, और सिर्फ मेरा और सानवी का बाकी है, पापा के साथ थोड़ा सा खाई है, बाकी अभी मेरे साथ थोड़ा सा खाएगी। और ये खीरा, प्याज, टमाटर सब मिक्स करके सब सलाद बनाई हूँ चॉप करके। तो आज का यही है हम लोग का दोपहर का लंच, तो अभी मैं खा लूँ फटाफट, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। देखिए सानवी खाना खा रही है और मैं भी खा रही हूँ। सबसे अच्छा तो लग रहा है ये खाने में, एकदम जबरदस्त बना है। अभी आप बना के देखिए, ट्राई करके देखिए, सच में बहुत ही लाजवाब बनता है, और एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में।
काफ़ी दिनों बाद बनाई हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा बना है खाने में। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, उनका तो ये फेवरेट है। ये मैं अपनी सासू माँ से सीखी हूँ बनाने के लिए, मुझे पहले नहीं आता था। मेरी सासू माँ बनाती थी, उन्हें अच्छा, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उन्हीं से मैं सीखी थी। और वाओ, गुड इवनिंग फ्रेंड। शाम का टाइम है और मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा रही थी थोड़ा, और अभी चाय बनाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद में। रात के डिनर के लिए मैं यहाँ राजमा की सब्जी बना रही हूँ, तो राजमा को मैं उबाल ली हूँ और साथ में उसी में एक आलू, दो आलू भी उबाल ली थी मैं, और प्याज भी कट करके रख लिया है। और राजमा में मैं थोड़ा उबालते टाइम हल्दी डाल दी थी, क्योंकि राजमा का कलर थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है, तो मैं इसमें हल्दी डाली थी, इसके कारण आलू का कलर भी थोड़ा सा पीला पीला हो गया है। और राजमा के साथ हस्बैंड बोले थे कि राजमा बनाओगी तो मेरे लिए पूरी बना देना, तो मैं सबके लिए ही रात में पूरी बना दी हूँ। और शानवी को भी पसंद है, और मैं भी सोची कि चलो राजमा के साथ मैं भी पूरी खा लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर पूरी बन रहा है, फुला फुला। तो ये है शानवी का खाना, मैं उसे खिला देती हूँ राजमा और पूरी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही गाइज, मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।